भदोही से बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी और उनके परिवार के 6 लोगों पर विधवा महिला ने कई महीनों तक रेप करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि विधायक के भतीजे ने शादी का झांसा देकर कई साल तक महिला का शारीरिक शोषण किया। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव के दौरान 2017 में विधायक का भतीजा मुंबई से भदोही आया था। महिला का आरोप है कि विधायक के भतीजे ने उसे भदोही बुलाकर शहर के एक होटल में करीब 1 महीने तक रखा। साथ ही चुनाव के दौरान विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने होटल में आकर उसके साथ सबसे पहले रेप किया था। जब महिला ने विधायक के भतीजे से शादी करने की जिद की तो विधायक के भतीजे ने उसे जान से मारने की धमकी देकर शादी से इनकार कर दिया। मैं इसलिए मिलने आई थी क्योंकि यहाँ के विधायक जो है रविंद्र त्रिपाठी, संदीप तिवारी, उनका जो भतीजा है, उन्होंने मेरे साथ शादी का झांसा देकर 6 साल तक मेरा शोषण किया। शारीरिक संबंध बना के उन्होंने मेरे साथ रखा था। जब मैंने शादी का बहुत जोर जबरदस्ती किया तो उन्होंने मुझे फिर यहाँ पर जो है कि परेशान किया, नहीं कि मना किया, इस तरह से करते करते उन्होंने इतना तंग कर दिया कि मुझे आज ये डिसीजन लेना पड़ा है। और जो चूँकि मेरी शादी 1998 में ही हो गई थी तो मेरे पति की मृत्यु 2007 में हो गई थी। उसके दरमियान में 7 साल तक अपने ससुराल में ही रही, मृत्यु के पति की मृत्यु के बाद भी। लेकिन मृत्यु के बाद फिर जब मैं एक बार बॉम्बे अपने मायके जा रही थी पगफेरे के लिए, उसी दरमियान संदीप तिवारी से मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई। मेरे सामने की बर्थ पर वो भी बैठे थे, बातों बातों में उन्होंने अपना नंबर दिया, मुझसे बातचीत की और उसी दरमियान उन्होंने मुझे बताया कि मैं अनमैरिड हूँ और मैं बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता हूँ अपने चाचा चाची के साथ। तो हमारा इसी तरह सिलसिला बातों का चलता रहा। फिर उन्होंने मुझे प्रपोज किया, शादी का प्रस्ताव भी रखा मुझे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा। 2 साल इसी तरह बातचीत चलती रही और उसके बाद फिर मैं वहाँ से यहाँ आई बनारस अपने ससुराल। यहाँ पर आई तो उन्होंने मुझे कैंट स्टेशन पे बुलाया ज़बरदस्ती कि नहीं आ पाऊँ, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। मैं वहाँ गई तो वहाँ पे इन्होंने विष्णुप्रिया होटल में पहले से ही होटल बुक करके रखा था कमरा। वहाँ आने के बाद इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, जो कि मैंने मना किया कि मुझे अब ये सब चीज़ नहीं करना है, जो भी करें आप शादी की बात करें। लेकिन उन्होंने नहीं माना, मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती किया। मैं बहुत रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन माने नहीं वो। इसी तरह फिर हमारा सिलसिला चलता रहा। फिर वो बॉम्बे चले गए, मैं भी चली आई बॉम्बे। वहाँ आने के बाद फिर सहारा होटल में हमारा फिर से फिजिकल रिलेशन इसी तरह बनता रहा। 2017 में विधानसभा चुनाव जब चल रहा था उसी दरमियान फिर मुझे संदीप अपने साथ लेकर यहाँ आए भदोही और उन्होंने ग्लोरी होटल में स्टे किया। वहाँ पर मैं कम से कम 30 दिन थी, जैसे 5 दिन रहना फिर वापस बनारस आना, ये इसी तरह सिलसिला 30 दिन करा। उसी दरमियान ये रविंद्र त्रिपाठी, चंद्रभूषण तिवारी, दीपक तिवारी, नितेश तिवारी, प्रकाश तिवारी, ये सभी लोग ग्लोरी होटल में एक दिन छोड़ छोड़ के सभी लोग आते थे और मेरे साथ इन्होंने जोर जबरदस्ती करके मेरा बलात्कार किया। वहीं महिला के आरोपों के बाद विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने मामले को फर्जी बताया है। बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि ये पूरा मामला फर्जी है, अगर आरोपों में सत्यता मिली तो उनका पूरा परिवार फांसी पर चढ़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं वो बिल्कुल फर्जी हैं। इस मामले की जांच सीबीआई या यूपी सरकार की कोई निजी एजेंसी करे। देखिए, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, सारी बातें तथ्यहीन हैं और ये एक जांच का विषय है। पुलिस अधीक्षक भदोही एवं जिलाधिकारी भदोही के संज्ञान में ये बातें आ गई हैं। जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय इसकी जांच करवा रहे हैं। जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि चाहे हमारा क्षेत्र हो, हमारा गांव हो, हमारा घर हो, हमारी भदोही विधानसभा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे भारत की बात हो, कोई भी अगर हमारी बहू बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम करता है तो उसके खिलाफ मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ, आवाज़ उठाता रहूँगा। अगर इसमें भी तथ्य कहीं सामने आते हैं और भारत में ही नहीं, भारत में और उत्तर प्रदेश में जिले में तमाम एजेंसियां हैं, इस तथ्य की जांच निष्पक्षता से हो जानी चाहिए। अगर कहीं भी दोष सिद्ध होता है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम पूरे परिवार सहित अगर प्रथम दृष्टया कहीं भी यह दोष सिद्ध होता है तो कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हमारा पूरा परिवार फांसी के तख्त पे लटकने के लिए तैयार रहेगा।
बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने महिला के आरोपों के पीछे ज्ञानपुर सीट से निर्दलीय विधायक बाहुबली विजय मिश्रा पर साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पत्र के आधार पर विधायक और 6 लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। भदोही से महेश जायसवाल की रिपोर्ट।